नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पौड़ी में विगत 11 मार्च को सतपुली मार्केट में कुछ दुकानों में आग लग गई थी, जिसके क्रम में आज जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा सतपुली मार्केट का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा प्रभावितों से मुलाकात की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, आपदा प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अग्नि से हुए नुकसान का प्रॉपर आकलन करें तथा मानक के अनुरूप जो भी तत्काल राहत सहायता पहुंचाई जा सकती है पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा प्रबंध मद अथवा अन्य जिस भी मद से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाई जा सकती है पहुंचाई जाए। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि मार्केट में विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुचारू रूप किया जाए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी, फायर, पुलिस, विद्युत विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देशित किया कि फायर स्टेशन स्थापना के लिए DPR बनाई जाए और इसे संबंध में जो भी कार्रवाई की जानी है समय से पूर्ण करें। न्यूज नाइन भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। जैसे ही सूचना मिली थी तो हमारा पुलिस का प्रशासनिक अमला जो है उसने इस पे काम किया और ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। लगभग 12 दुकानें और पुलिस चौकी का कुछ हिस्सा हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है और जो दुकानें पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। इस संबंध में SDM को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऑनरेबल CM सर के विवेकाधीन कोष से फंड्स के लिए प्रपोजल भी भेज रहे हैं और इनकी जो भी यथासंभव मदद की जाती है करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।